भारत से खबर शामिल करते हैं, जहां पर भारत में नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत ने अकलीती बिरादरियों के तुलबा के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप और स्कॉलरशिप स्कीम बंद कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप का आगाज 2009 में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किया गया था, जिससे मुसलमान, बुद्ध मत, मसीही, जैन, पारसी और सिख तुलबा मुस्तफीद होते थे। ये स्कीम सच्चर कमेटी की सिफारशात को नाफिज करने के एक हिस्से के तौर पर शुरू की गई थी। बीजेपी हुकूमत की अखिलती अमूर वजीर स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट के ऐवान जेरिन लोकसभा को बताया कि हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए आला तलीम के लिए फेलोशिप फ्राहम करती है। उन्होंने कहा कि सिवाय मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के ये तमाम स्कीमें जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि मस्कोरा स्कीम को बंद करने का फैसला किया गया है।